डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मींस नो। इतना समझता है तो ठूक क्यों बार बार आता है? दोस्तों, एक जासूस किस हद तक दुश्मन देश का भरोसा जीत सकता है ये समझने के लिए काफी है उसे दुश्मन देश खुद ही रक्षा मंत्री बनाने का ऑफर दे दे। ये जासूसी की कहानी उस शख्स की है जिसे सरेआम चौराहे पर फांसी दी गई। कहा जाता है कि सीरिया की जबरदस्त तैयारी के बाद भी जब इजरायली सेना को भनक लग जाती थी तब शक होने लगा था, इसीलिए सीरिया सैनिक ने सीरिया के राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार अहमद सुईदानी ने सुराग तलाशना शुरू किया। उन्होंने सोवियत संघ रूस से रेडियो ट्रांसमीटर को ट्रैक करने वाला डिवाइस मंगाया, फिर उसी डिवाइस की मदद से एली कोहेन को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि साल 1965 में अहमद सुईदानी ने एली कोहेन उर्फ कामेल अमीन थाबेट बने इजरायली जासूस को उनके घर से ही पकड़ लिया था। इसके बाद एली कोहेन से कई दिनों तक पूछताछ हुई, फिर जासूसी करने का सैन्य मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। साल 1966 में राजधानी दशमिक में एक चौराहे पर सरेआम एली कोहेन को फांसी दे दी गई थी। हालांकि फांसी से पहले इसराइल ने सजा माफी के लिए काफी कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा नहीं था। यहां तक कि सीरिया ने इसराइल को एली का शव भी नहीं दिया था, इसीलिए मौत के करीब 53 साल गुजरने के बाद साल 2018 में किसी तरह इसराइल को कोहेन की एक घड़ी पाने में जरूर सफलता मिली थी। ये घड़ी मिलने के बाद उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कोहेन की पत्नी नादिया को वो घड़ी दी थी। कोहेन की मौत के बाद एकमात्र निशानी के रूप में आज भी वो घड़ी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ इसी तरह की कहानी से इंस्पायर्ड हो सकती है शाहरुख खान की फिल्म पठान भी, जिसमें वो अपने देश के लिए कुछ भी कर दिखाने का रोल करेंगे। आपको बता दें कि यशराज फिल्म्स 2023 में एक नहीं बल्कि दो बड़े धमाके करने वाला है। एक तरफ शाहरुख खान की पठान है तो दूसरी तरफ सलमान खान और कैटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी टाइगर 3 भी रिलीज होगी। दोस्तों, इन दोनों ही फिल्मों से आदित्य चोपड़ा भारतीय जासूसों पर अपनी नई स्पाय वर्ल्ड की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, पठान और टाइगर 3 की कहानी जुड़ी हुई है, वो कैसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।